मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो आवाज़ पहले उठाता था अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उठा सकता हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते, और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना। सबसे पहले हम खिलाड़ी हैं, और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, पहले भी किसान थे, और जो जिम्मेवारी दी है मुझे लगता है कि भाई मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो आवाज़ पहले उठाता था अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उठा सकता हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। आपके और विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर ब्रिजभूषण सिंह इतना हमलावर क्यों है और इसे षड्यंत्र क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, वो दिक्कत ब्रिजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते, और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। लेकिन वो तो कहते हैं कि पार्टी अगर इजाजत दे तो मैं हरियाणा अगर सबका वेलकम है। देखो, सबका वेलकम, सबका अधिकार है, अगर उनकी पार्टी इजाजत देती है तो आना चाहिए उनको, हरियाणा की जनता तय करेगी ना। वो तो कांग्रेस पार्टी काफी प्राउड फील कर रही है आप दोनों के कांग्रेस में आने को लेकर, लेकिन ब्रिजभूषण ने ही कहा कि आप ब्रिजभूषण क्यों बार बार ब्रिजभूषण होगा एक दिन पछतावा, तो वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बन रहे, तो हमारे पूरे देश को भी है, तो उसको क्यों बार बार आप करते हैं हरियाणा आए चुनाव प्रचार के लिए? देखो, सबका अधिकार है, वो हरियाणा की जनता तय करेगी, आप उसको क्यों आई दे रहे बार बार? उसकी प्रवृत्ति का मुझे लग रहा है कि वो जो वो भाषा बोल रहा है, मुझे तो एक सभ्य व्यक्ति की ऐसी भाषा नहीं हो सकती। राजनीति में वो आपके राजनीतिक मित्र हैं, आप चाहेंगे कि वो अब इन मुद्दों से ऊपर उठकर आगे की अपनी भविष्य के बारे में सोचें, या जो आरोप आप लोगों पे है उसका बेहतर होता है? उनका कहना है कि कोर्ट में जब मामला था तो आप लोग पहले कोर्ट को फेस करते, खुद को प्रूफ करते, फिर राजनीति में आते। फिर आपने बेटे को क्यों भेज रखा है? आप भी तो कोर्ट में उस चीज़ को प्रूफ करते ना, आपने अपने बेटे को क्यों टिकट दिला दिया? तो ये बोलने में आसान लगती है, दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं, वो अपने जीवन में उतारनी पड़ती है जब अच्छी होती है वो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।